दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर आप जामिया के स्टूडेंट हैं या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या BHU के स्टूडेंट हैं या JNU के, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, किसी भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने जूनियर को गाइड कर सकते हैं। तो आपके लिए सुनहरा मौका है TBIT से जुड़ने के लिए। तो एक छोटी सी वीडियो है, ज़रूर इसको पूरा देखिएगा। अगर आप इन सारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी देखिएगा। और जो स्टूडेंट हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उनको शेयर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में 5 क्वेश्चनों का सवाल का जवाब होगा कि कैसे आप गाइड कर सकते हैं अपने जूनियर्स को, कैसे गाइड कर सकते हैं ताकि वो एडमिशन ले पाए देश के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में। कैसे गाइड करना है ये मैं आपको क्लियर करूंगा, क्या गाइड करना है ये भी मैं क्लियर करूंगा, क्यों गाइड करना है अपने जूनियर्स को इसको मैं क्लियर करूंगा, आपको गाइड करने से क्या मिलेगा इस क्वेश्चन का भी जवाब मिलेगा, कैसे आप TBIT से जुड़ सकते हैं। तो 5 सवालों के जवाब आसान भाषा में आपको मिलने वाला है। तो चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो पसंद कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो अपने जूनियर्स को गाइड कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जो आजकल के युवा सोशल मीडिया पे गाली गलौज कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, फेक न्यूज़ देख रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, वो सब चीज़ें छोड़ के एजुकेशन पे ध्यान दे, इल्म पे ध्यान दे, शिक्षा पे ध्यान दे, एजुकेशन पे ध्यान दे, तो देश आगे बढ़ेगा। देश तभी आगे बढ़ेगा जब शिक्षा के साथ जुड़ेगा, ज्ञान के साथ, इल्म के साथ जुड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। पार्टियों को सपोर्ट करने से, पार्टियों को अपोज करने से देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा, सिर्फ पॉलिटिशियंस आगे बढ़ेंगे, आप लोग नहीं। तो चलिए आपको पहला क्वेश्चन का जवाब मैं देता हूँ कि कैसे आप अपने जूनियर्स को, कैसे आप अपने जूनियर्स को गाइड कर सकते हैं। 3 माध्यम है बेसिकली, या तो आप वीडियो बना के अपने जूनियर्स को गाइड कर सकते हैं, या ऑडियो क्लिप, अगर आप चाहते हैं कि चेहरा ना दिखाएं तो आप अपने आवाज़ को व्हाट्सएप में, जैसे कैसे वॉइस नोट्स भेजते हैं उस तरह के आवाज़ को आप वॉइस नोट्स में भेज सकते हैं, आवाज़ को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो या तो आप वीडियो बना के अपने जूनियर्स को गाइड कर सकते हैं, ऑडियो से गाइड कर सकते हैं, या आप कुछ राइटअप बना के, नोट्स बना के अपने जूनियर को गाइड कर सकते हैं। आपको मैं आगे बताऊँगा कैसे हमसे जुड़ना है। तो आप 3 माध्यम से, वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट, तीनों माध्यम से, यानी नोट्स के माध्यम से, ऑडियो यानी आपके अपने आवाज़ के माध्यम से, वीडियो बना के आप अपने जूनियर्स को गाइड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया कि कैसे गाइड करना, अब क्या गाइड करना है, आप क्या अपने जूनियर को गाइड कर सकते हैं। तो क्या गाइड करना है कि कौन से बुक अच्छी होगी कि टेस्ट निकल जाए, कौन से बुक से आपने पढ़ाई की जिससे आप सफल हुए, तो बुक के बारे में बता सकते हैं कि ये नोट्स अच्छा है, ये बुक अच्छा है। नोट्स कैसे बनाएं इसके लिए भी आप गाइड कर सकते हैं। टेस्ट की तैयारी कैसे करें, कैसे अपना टाइम टेबल अच्छे से बनाएं, आपने कैसे टाइम टेबल बनाया था, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि कैसे टाइम टेबल बनाया, कौन सा बुक पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, कोचिंग में पढ़ें, बुक्स पढ़ें, नोट्स पढ़ें, गाइड्स पढ़ें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें, डिस्क्रिप्टिव क्या करें, ये आप बता सकते हैं उसमें। तो दूसरा क्वेश्चन का यही जवाब है कि क्या गाइड करना है, गाइड यही करना है कि टेस्ट की तैयारी कैसे बेहतर से बेहतर स्टूडेंट का हो सके, ठीक है। क्योंकि आप बेहतर इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो आप अपने जूनियर्स को, देश के युवाओं को अब आपका सफल बनाने का काम है। मैं इंजीनियरिंग किया हूं तो सिर्फ इंजीनियर स्टूडेंट को गाइड कर सकता हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स हैं, आर्किटेक्चर है, सोशल साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, बिजनेस मैनेजमेंट है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसको मेरे एक्सपर्टाइज नहीं है, मेरे स्पेशलिटी नहीं है। तो आप जो स्पेशल कोर्स में एडमिशन लिए हैं तो आप अपने जो कोर्स है, अपने डिपार्टमेंट के कोर्स है, उसको गाइड कर सकते हैं। वैसे ओपन है, आप कॉमर्स के हैं तो आर्ट्स को भी गाइड कर सकते हैं, साइंस के भी गाइड कर सकते हैं, तो इसमें मैंने, मेरे तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन आप जिस चीज़ में माहिर है उस माहिरत को देश को बताइए ना, दुनिया को बताइए ना, आपको एक्सपीरियंस होगा। तो कैसे गाइड करना है, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, क्या गाइड करना है, नोट्स, बुक्स, टाइम टेबल, कोचिंग, ऑनलाइन, ऑफलाइन, कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, ये गाइड करना है। तीसरा क्वेश्चन है, गाइड क्यों करना है, क्यों जरूरत पड़ी आपको गाइड करने के लिए। तो पहली बात ये है कि बच्चे, बहुत सारे युवाओं हैं आजकल सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिता रहे हैं। आपका जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है, देश भर की जिम्मेदारी है कि गलत दिशा में जो युवा जा रहे हैं उसको सही दिशा में आप लाइए, एजुकेशन के क्षेत्र में लाइए। खान सर इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे और भी लोग वीडियो बनाते हैं,
तो लोग पढ़े लिखे नहीं भी है वो भी उनका देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट जगाते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाते हैं। खान साहब, आप कैसे इंटरेस्ट जगा सकते हैं? आपने सक्सेसफुली आप एडमिशन ले चुके हैं, आप सक्सेसफुल हो चुके हैं एडमिशन लेने में, तो दूसरे बच्चों को कैसे आप गाइड करें? तो आपको क्या मिलेगा? पहले, सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आपकी जो एक्सपीरियंस मिलेगा गाइड करने में, वो एजुकेशन क्षेत्र में भी काम आएगा, इंडस्ट्री क्षेत्र में भी काम आएगा। आजकल एजुकेशन में लोग करोड़ों कमा रहे हैं, बहुत सारे, जैसे अनअकैडमी हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, खान सर हो गया, बहुत एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स है जिससे जुड़ के लोग पैसे कमा रहे हैं, बायजूस हो गया, ग्रेडअप हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने जूनियर्स को गाइड करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो एक्सपीरियंस आपके जीवन में काम आएगा। पहले क्वेश्चन। दूसरा है कि देश जब ही आगे बढ़ेगा, जब देश के युवा अच्छे होंगे, देश की जनता हेल्दी होगी तभी देश अच्छा होगा, देश के युवा शिक्षित होंगे, देश के लोग शिक्षित होंगे तभी देश शिक्षित होगा। तो कहने का मतलब यह है कि देश के जो इंसान हैं, अगर यहाँ रहने में उनको खुशी मिल रही है अपने देश में, तभी देश खुशहाल होगा। अगर यहाँ के लोग खुशी नहीं है तो देश खुशहाल नहीं होगा, यहाँ के युवा शिक्षित नहीं है तो यहाँ देश बर्बाद होगा। तो युवाओं को शिक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी, हम सब की है। आप लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, एडमिशन निकाल चुके हैं, आपके अंदर कुछ हुनर है, तभी टेस्ट निकला है, उस हुनर को अपने जूनियर्स को बताइए। तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपका नाम ऊँचा होगा, आपकी एक ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि आप सफल हुए हैं तो दूसरे को सफल होने में आप हेल्प कीजिए, तभी देश अच्छा बनेगा। देश एक घोंसला है, इस घोंसले में अगर हर कोई अच्छा रहेगा तो आप भी अच्छे रहेंगे। कहीं देश में हिंसा होगी, दंगा फसाद होगा, तो उसमें बेकसूर लोग भी मारे जा सकते हैं, आम आदमी भी मारे जाते हैं, हम आप भी मारे जा सकते हैं। तो ऐसी अच्छी देश है, इस अच्छे देश में अच्छे लोगों को पैदा कीजिए, अच्छे लोगों को एम्पावर कीजिए। देश के जो युवा है, जो आगे चल के यही देश के पिलर बनेंगे, इनको शिक्षित आप कीजिए, हम करेंगे, तो आपको यही मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, आपको TBIT से जुड़ने का मौका मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको इंडस्ट्री में भी काम आएगी, एजुकेशन सेक्टर में भी आपको काम आएगी, और आप अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करेंगे टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग। देश को आगे बढ़ाने में आपका भी हाथ हो सकता है अपने जूनियर्स को गाइड करके। TBIT से आप कैसे जुड़े, पांचवा और आखिरी सवाल है, TBIT से कैसे जुड़े? तो एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो व्हाट्सएप नंबर जो होगा उस पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कॉल तो उस पर नहीं आएगा क्योंकि वो नंबर डेट है, वो नंबर काम नहीं करेगा, तो आप लोग उस पर मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरा नाम ये है। जैसे मेरा नाम सुमित है तो मैं बताऊंगा, मैं सुमित कुमार हूं, मैं AMU में पढ़ता हूँ या BHU में पढ़ता हूँ, जामिया में, DU में, इलाहाबाद में, यहाँ पढ़ता हूँ, मैं इस कोर्स में हूँ और मैं इस चीज़ का वीडियो बनाना चाहता हूँ या ऑडियो भेजना चाहता हूँ या मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ या मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ, या किसी भी तरीके से आप जूनियर्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं, लिखित में, ऑडियो में, वीडियो में, तो आप उस व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। अपना नाम, अपना कोर्स का नाम, आपका यूनिवर्सिटी नाम, ये तीन ज़रूरी है, आपका नाम, आपका कोर्स का नाम, आपका यूनिवर्सिटी, ये तीन ज़रूरी है व्हाट्सएप पे, तभी आपका व्हाट्सएप को एंटरटेन किया जाएगा। क्योंकि जब मैं नंबर बता दूंगा तो हज़ारों लाखों मैसेज आएगा, उस हज़ारों लाखों में आपको कैसे सेलेक्ट होगा, तो अपना नाम, कोर्स नाम, यूनिवर्सिटी के नाम ज़रूर बताएंगे। मैंने 5 चीज़ें इस वीडियो में क्लियर किया है, अगर आपको क्लियर ना हो तो फिर दोबारा चेक कर लीजिएगा कि कैसे आप गाइड कर सकते हैं, क्या गाइड करना है, क्यों गाइड करना है, आपको गाइड करने में क्या मिलेगा, और TBIT से कैसे जुड़े। तो दोस्तों, आप सक्सेसफुल हो चुके हैं तो अपने दोस्तों, यारों को, सबको सक्सेसफुल बनाने की जिम्मेदारी हम है। देश के हर नागरिक हमारे दोस्त है, यार है, रिलेटिव्स है, हम सब एक है, और इस देश को आगे बढ़ाना है। ये देश एक घोंसला है, अगर इस घोंसला में कुछ सांप बिच्छू आ जाएगा तो सबको डसेगा, खराब सिस्टम होगा तो सबको खराबी होगी, हॉस्पिटल खराब होगा जो जवान मूवी में है तो सबकी परेशानी होगी, अगर आपको माफिया लोग रहेंगे, अगर वोटिंग पैसा दे के होगा तो ये सिस्टम सब खराब होगा। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है, बस इस वीडियो का मकसद ये है कि अपने जूनियर्स को गाइड करने के लिए आप वीडियो बनाइए, ऑडियो बनाइए, टेक्स्ट बनाइए और हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए, TBIT से जुड़िए और अपने दोस्तों को, यारों को और भी जोड़ने का मौका दीजिए। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको शेयर कीजिए, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं इन सारे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के, तो आप जो पढ़ रहे हैं उनको भेजिए कि वो हमसे जुड़े और हम सब मिल के अच्छे वीडियो बनाएं, अच्छे कंटेंट्स बनाएं, जो कि देश के युवाओं को और देश को आगे बढ़ाएगा। मिलते हैं इसी जुनून के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।